नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धः नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्ध नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस् नमो बुद्धाय आच् एक समय फिर से मिला है जब ये हम लोग धर्म का विषय पर चर्चा करें धर्म को और अच्छे से समझें अपना ये समय को एक सदउपयोग करें तो इस समय में तो अभी हम लोग धर्म देशना सुनेंगे तो इसमें आप सभी उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है और सबसे पहले हम लोग बुद्ध वंदना धर्म वंदना और संघ वंदना करेंगे इति पिशोभगवा अर्हं सम्म संबुद्धो विद्याचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविधो अनुत्तरो पुरिसधम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवति नमोतः सम्मा सम्बुद्धस्स स ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता पश्युपन्ना च हे बुद्ध अहं वन्दामि सर्वदा नथि मे अन्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्च वज्रेन होतु ते जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं पादुपं सुवरुत्तमं बुद्धेयो खलितो दोषो बुद्धो तं मम बुद्धं यावनिब्बान पर्यन्तं शरणं गच्छामि स्वाख्यातो भगवता धम्मो सांदिठिको अकालिको एहि पासिको उपनायको पाच्यतं वेदितब्बो विन्यो हिति नमो तस्सनियानिकस्स धम्मस्स एच धम्म अतीता चा एच धम्म अनागता पच्चो पन्ना धम्म अहं बंधामि सब्बधा नथी मे सरनं अन्यं धम्मों मे सरनं बरं एतेन सच्चवाच्ये न होते जयमंगलं उत्तमंगे न बंदे हं पादुपंस धम्मंचति धम्मेखलितो दोषो खमतु तं ममं धम्मं यावनिभ्यानपर्यन्तं शरणं गच्छामि सुपतिपन्नो भगवतो शावकसङ्गो युजुपतिपन्नो भगवतो शावकसङ्गो न्यायपतिपन्नो भगवतो शावकसङ्गो स्वामीचिपतिपन्नो भगवतो शावकसङ्गो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अठ्ठपुरुषपुग्गला एष भगवतो शावकसङ्गो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यं क्षेत्रं लोकसति नमो तस् अठ अरिय पुग्गला महा संघस्स संघा अतीता च एच संघा अनागत पच्चु पन्ना च हे संघा अहं वन्दामि सब्बदा नथि मे शरणं अन्यं मे शरणं वरं एतेन सच्च वज्झेन होत ते जय मंगलं उत्तमङ्गेन वन्देऽहं सङ्घञ्च तिविधुत्तमं सङ्घेयो खलितो दोषो सङ्गो खमतु सङ्गोखमतु तङ्गमं सङ्घं यावनिवानपर्यन्तं शरणं गच्छामि एवं बुद्धं सरन्तानं धम्मं सङ्घं च विक्षभो भयं वा लोमहं सो नहे सती वंदमी चेती शी सुपति शीरिक महाबोधि बुद्धूप सकलं सदा विपत्तिपतिहाय शपत्तििया सर्वदुःखं विना साय सर्वभयं विनाशाय सर्वरोगं विना साय भवेदीर्घायुकदायकं सर्वलोकं हि परितं तं भणामहे समन्ता चक्रवालेषु अत्रागच्छन्तु देवता सद्धम्मं मं मुनिराजः स शृणन्तु शब्दमुखदं धम्म सवन कालो अयम भदंता धम्म सवन कालो अयम भदंता धम्म सवन कालो अयम भदंता नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस एवं मे स्तुतं एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ आरामे अतखो अन्यतरा देवता अविकंताय रतिय अविकंतवण केवल कपंग जेतवन ओ भाषे ये नगवा तेनुपसकमी उपसकमित्वा भगवत अभिवादे एक अठासी एकमन्तं टिथाखो सा देवता भगवन्तं गाथाय अजभासि बहुदेवा मनुष च मङ्गलानि अचिन्तयुं आखङ्खमानसोत्थानं ब्रूहि मङ्गलमुत्तमम् असेवना च बालानां पण्डितानां च सेवना पूजा च पूजनीयानां एतं मङ्गलमुत्तमम् पतिरूपदेशवासो च पूर्वे च कतपुण्यता अत्तसम्मपनिधि च एतं मङ्गलमुत्तमं बहुसच्चञ्च सिप्पञ्च विनयो च सुशिक्षितो सुभासिता च यावाच एतं मङ्गलमुत्तमं मातापितुः उपठानं पुत्तदारस्य सङ्गहो अनकुला च कम्मन्ता एतं मङ्गलमुत्तमं च धम्मचर्या च ज्ञातकानां च सङ्गः अनवज्रानि कर्मानि एतं मङ्गलमुत्तमं आरतिविरतिपामजपानं च संयमो अपमादौ च धर्मेषु एतं मङ्गलमुत्तमम् गौरवो च निवातो च सन्तुष्ठी च कतन्युता कालेन एतं मङ्गलमुत्तमं खन्ति च सोवचसतशमनानं च दर्शनं कालेन धम्म साकच्छा एतं मङ्गलमुत्तमं तपो च ब्रह्मचर्या च चा अयसच्चानदर्शनम्

सबीतियो सब विभजनों स्तोको रोगो विनसत माते भवतु अंतरायो सुखी दीघायुको भव भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब्ब बुद्धानु भावेन सदा सुत्थि भवन्तु ते भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सर्वधर्मानुभावेन सदा शुद्धीभवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते अभिवादनशील स निचं बुद्धपचायिनो चत्वारो धर्म वढन्ति आयुवन्नु सुखं बलम् आयुरारोग्य संपत्ति सम्पत्ति संपत्ति में बचा ततो निबाण संपत्ति इमिनाते ते तो साधु 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 भगवान बुद्ध धम्मा और संग के जो गुण को पाठ किया है और भगवान बुद्ध क... के द्वारा बताए गए सद्धमा को पाठ किया है इस सबका प्रभाव से इस सबका बल से आप सभी लोगों का मंगल हो कल्याण हो स्वास्थ्य अच्छा रहे और जो है आगे प्रगति करती रहें ऐसे मंगल कामना करते हुए अभी कुछ समय हम लोग एक भगवान बुद्ध के समय घटी हुई एक घटना के बारे में चर्चा करेंगे जब भगवान बुद्ध सावथी में रहते थे सावत्री जो है कोसला राज्य की राजधानी थी जहाँ में पश नदी कोसला राजा जो है राज्य करते थे तो पस नदी कोसल जो राजा थे उनके जो कोसल राज्य में एक बार एक जगह विद्रोह हो गया और वो विद्रोह को शांत करने के लिए उसको ठीक करने के लिए उन्होंने अपना एक महामंत्री को चुना और उस महाम महामंत्री को सेना के साथ भेज दिया तो उस महामंत्री उसने जो है अपना शौर्य बहुत अच्छी तरह दिखाया और जो है सूझबूझ के साथ उसने वो विद्रोह को एकदम कुशलतापूर्वक शांत किया उसको जो दमन किया उसका ऐसा होने के बाद जब वह वापस आया तो राजा बहुत उससे प्रसन्न हुआ बहुत खुश हुआ और उसको जो है बहुत इनाम धन दौलत उसको बहुत सारा उसको इनाम दिया और उसमें जो है एक हफ्ता का पूरा जो है उसको छुट्टी अवकाश दिया और उसमें जो है बहुत सारे नर्तकियाँ जो नाच गाना मनोरंजन करने के लिए कई सारी दास दासियाँ ऐसा उनको बहुत सारी सुख दी दिए तो ये सब सुख सुविधाओं के साथ उन्होंने एक हफ्ता जो है अपना अवकाश को मनोरंजन के साथ भोग विलास के साथ बिताने लगे तो उनके जो नर्त नर्तकियाँ थीं बहुत सुंदर तो उनके साथ जो है वो बहुत घुल मिल गया और ऐसे करके जो है एक हफ्ता उसका बीतने लगा तो जब अंतिम दिन आया अंतिम दिवस पहुंचा तो उस दिन जब वो अपना एक खाते के ऊपर बैठ के एकदम मदिरा में चूर होके जा रहा था नदी में वहाँ में बस एंजॉय करने के लिए अपने साथियों के साथ जा रहा था तभी जो उसने देखा कि भगवान बुद्ध वहाँ से पिंडापात करने के लिए जा रहे हैं तो मदिरा में चूर था फिर भी उसने जो है भगवान बुद्ध को देख के उसको थोड़ा शर्म महसूस हुआ और उसने जो है भगवान बुद्ध को जो है झुक कर वंदना किया और जो है वहाँ से चला गया भगवान बुद्ध जो उनको देख कर के मुस्कराई तो जब भगवान बुद्ध उनको देख के मुस्कराई तो साथ में जो बंते लोग थे उसमें जो आनंद बंधे जी थे जो हमेशा बंते का भगवान के साथ रहते थे तो उन्होंने देखा कि भगवान तो जो है हमेशा इस तरह से नहीं मुस्कराते हैं भगवान जो कोई कारण होता है तभी जो है कुछ एक संकेत नामक जो है, मुस्कराते हैं वैसे तो भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं लेकिन जो है एक जब भगवान किसी को देखते हैं अगर उस आ, कुछ इशारा करना चाहें तो भगवान एक, एक, एक भगवान का एक तरीका होता है जो मुस्कराते हैं जिससे कि उनके जो शिष्य लोग वो लोग समझते हैं कि हाँ भगवान जो है कुछ इशारा कर रहे हैं तो उसी प्रकार जो आनंद अवंति जी ने पूछा भगवान हम आपका जो है इशारा आपका जो है मुस्कराहट का पीछे क्या वजह है उसको जानना चाहते हैं हैं आप क्यों मुस्कराए तो भगवान ने बताया कि देखिए आनंद अभी जो ये आप महामात्य को देख रहे हैं ये इतना मदिरा में चूर है इस तरह से जो है इतना भोग विलास में डूबा हुआ है लेकिन ये जो है हमारे पास आने वाला है ये जो है भिक्षु बनेगा बोल के तो ऐसा जो है सुन करके दूसरे बनते लोग भी थोड़ा हैरान हो गए कि अरे ये तो महामात्य है ये तो जो है इतना भोग बिलास में डूबा है इतना जो है मदिरापान करता है इतना जो है भोग बिलास करता है तो ये कैसे जो है सब को छोड़ के भिक्षु बनेगा तो सभी लोग जो है उस समय का इंतज़ार करने लगे सभी लोग देखने लगे कि भगवान का बात ये सच होता है या बस ये एक अफवाह है बोल के तो ऐसा समय बीता और जो है अगले दिन क्या हुआ ये सब नर्तकियाँ जो है इतना सात दिनों तक वो लोग नृत्य करते हुए थक चुकी थी तो ऐसा देखा कि उस दिन जो है सुबह सुबह वो सब लोग जो है ऐसे यहाँ वहाँ पढ़ यहाँ वहाँ पड़े हैं और जो है बस सो रहे हैं किसी का मुंह से जो है थूक निकल रहा ला है लार निकल रहा ला है लेकिन सबसे उसी समय जो है ये सब देखने के बाद कुछ देर के बाद पता चला कि वो जो सबसे उसमें जो प्रमुख नर्तकी थी जो डांस करने वाली थी नाचने वाली थी जो उसकी उससे जो है बहुत प्रिय थी तो जो है वो जो उसी दिन जो है बहुत थक चुकी थी और ये सब होके पेट में दर्द होकर और बहुत कुछ कारण से वो जो है गुजर गई तो जब उसको सब पता चला उसने जब ये सब देखा तो उसको एक बहुत बड़ा धक्का लगा कि अरे ये तो इतना सुंदर थी इतना रूपबान थी और जो है ये गुजर गई है। तो उसको देख कर के दूसरा सब देख के उसको ऐसा दुख हुआ जैसे कि दुखों का पहाड़ टूट पड़ा तो जैसे कि हमारा कोई भी जब प्रिय जन कोई भी गुजर जाता है तो हम सभी को दुख होता है तो उसी प्रकार जो है उसको भी बहुत दुख हुआ और उसने जो है वो उस दुख से जो है छूट पाने के लिए उससे जो मुक्त होने के लिए रास्ता ढूंढने लगा मैं क्या करूँ अभी हा? कैसे इस दुख से उभरूँ कैसे इस दुख का जो है सामना करूँ तो ऐसा सोच के जो है वो यहाँ हुआ फिर उसको जो है पता उसको याद आया कि सावथ में जो है सभी लोग अपना दुख को दूर करने के लिए अपना चिंता परेशानी को दूर करने के लिए शांति को पाने के लिए सब लोग जो है तथागत भगवान बुद्ध के पास पहुंचते हैं तो उसने भी जो है निर्णय लिया और वह भी भगवान बुद्ध के सम पास पहुंचा भगवान बुद्ध को वंदना करके एक तरफ बैठ गया और भगवान बुद्ध को अपना पूरा बात बताया तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि देखिए जन्मों जन्मों तक आपने जो है स्त्रियों की ये भोग विलास में डूब कर आपने जो है दूसरों के लिए जो आंसू बहाए हैं उसका जो है तुलना नहीं किया जा सकता इतने आंसू बहाए हैं जन्मों जन्मों में ये जो है कभी भी भोग विलास के पीछे जा कर के ये के पीछे जाके कभी जो है सुख शांति प्राप्त नहीं होता है तो इस प्रकार से भगवान ने जो मरण के बारे में और जो है ये सब के बारे में बहुत अच्छा रूप से गहराई रूप से बताया कि ये कितना दुख लाता है ये क्या है संसार जो दुखों से भरा हुआ है जो भी सुख है ये सब एक क्षण भंगुर है ये सब खत्म होके फिर से दुख ही आने वाला है क्योंकि जो भी ये संसार में हम जो भी चीज़ देखते हैं जो भी चीज़ है ये सब जो है बदलते रहता है ये सब जो अनित्य है ये सब बदल रहा है जैसे कि जैसे कि अभी हमारा शरीर युवा है अभी हम जवान हैं हमारा शरीर में जो फुर्ती है, है। हम जो चाहे वो कर सकता है जहाँ चाहे तहाँ जा सकता है पूरा अभी ठीक ठाक है लेकिन हमेशा ऐसा ही नहीं रहेगा समय आएगा जब ये शरीर जो है बीमार हो जाएगा समय आएगा जब ये शरीर जो है बुढ़ापा हो जाएगा कमज़ोर हो जाएगा हमारा जो इंद्रियां हैं आँख कान ये सब जो कमज़ोर हो जाएगा आँख से जो है हम सही रूप से देख नहीं पाएगा कान से अच्छा से सुन नहीं पाएगा तो खाना का स्वाद नहीं मिलेगा तो इस प्रकार जो है हर एक चीज़ धीरे धीरे बदल रही है और ये बदलाव का वजह से जीवन में हर समय दुख ही आते रहता है और ये दुख क्यों आता है हमको समझना चाहिए क्योंकि यहाँ जो है जो हमारा होता है कि मैं हम ये ऐसा कुछ चीज़ नहीं है ये सब कुछ जो है आ, अनात्म है मतलब कोई आत्मा बोल के कोई चीज़ नहीं है हमेशा रहने वाला आ, कोई चीज़ नहीं है बस सब चीज़ जो है बदल रहा है तो ये अनित्य दुख और अनात्म ये चीज़ को जो है भगवान बुद्ध ने उसको जो है अच्छा से समझाया आ, और वो जो है अच्छे से सबको समझते रहा और फिर जो है वो अंत में भिक्षु बन गया भिक्षु बनने के बाद उसने जो है ध्यान यान करके और जो फिर अरहंत बन गया और अरहंत बन के परिणिभवाना हो गया फिर जब बनते लोगों में ये सब के बारे में चर्चा चला है कि ये कैसे हुआ भगवान बुद्ध ने उनको कैसे धमा दिया उनको कैसे समझाया और वो महाअमत्य होकर भी जो है कैसे कैसे हो जो उसका जीवन में परिवर्तन आया तो ये सब सुन के भगवान भगवान ने एक गाथा एक गाथा कहते हैं अलंको चेपी समय संतो दंतो नियतो ब्रह्मचारी सब्य सुतेशु निधा यंड सुब्रह्मणो सु समणो सभी इसका अर्थ होता है अलंकतो चेपी समंग रही है मतलब कोई भी मनुष्य वो कोई भी हालात में हो अमीर गरीब सुसज्जित महामात्य कोई भी हो संतो दंतो नियतो ब्रह्मचारी अगर वो जो है शांति पूर्वक रहता है संतो दंतो मतलब वो अगर जो है अपना इंद्रियों को दमन करके उसका संयम में रख के अगर जो है जीता है और नियतों नियतों का अर्थ होता है वो जो है ये को जो है नियंत्रित करता है और ब्रह्मचारी और ब्रह्मचार का पालन करता है सभ्यसु भूतेषु निदाय दंड वो किसी के भी प्रति दंड का भाव नहीं रखता है कि उसको जो है हमको मारना है उससे जो हमारा प्रतिशोध लेना है उसका किसी का अहित हो जाए इस प्रकार से किसी को भी वो गाली गलास मार पीट ये सब छोड़ देता है ये सब नहीं करता है ऐसे लोगों को ही सो ब्राह्मणों सो समणों स भिक्खु ऐसे लोगों को ही सही ब्राह्मण सही श्रमण और एक भिक्खु कहा जाता है तो इसलिए जो है हमारे जीवन में ये चीज़ों को जो है हम लोग भी उतारने का प्रयास करना चाहिए कि हम जो हमेशा जो है शांति से रहना चाहिए शांति सब लोग चाहते हैं शांति सभी का प्रिय है सब लोग चाहते हैं लेकिन लोग जो है शांति का सही रास्ता नहीं अपनाते हैं बहुत सारे लोग हैं जो रास्ता भटक जाते हैं गलत रास्ता में चले जाते हैं शांति का रास्ता उनको जो नहीं मिल पाता है तो भगवान बुद्ध ने जो है एकदम साधारण तौर पर एकदम सही एकदम सीधा साधा जो है रास्ता बताया है अट्ठंगी का मग्गा जिसमें जो है हम लोग जिसका पालन करके हम हर एक जो मुकाम तक पहुंच सकते हैं हमारा जो जीवन का जो सही औचित्य है हमारा जीवन का जो सही रास्ता है वो जो है आर्य अटंगी का मार्ग है हमारा जीवन का मतलब धन कमाना नहीं है हमारा जीवन का मतलब ऐस आराम ये सब कमाना नहीं है बल्कि हमारे जीवन का मतलब जो है शांति को पाना एक स मैत्री भाव से मिलजुल कर रहना एक दूसरे को मदद करके और जो है ये सब से जो है सांसारिक ये बंधन से जो मुक्त होकर निभवान की तरफ बढ़ना ये हमारा जीवन का एक सही औचित्य है तो इसको पाने के लिए एक ही मार्ग है आर्य अट्ठांगी का मार्ग और ये मार्ग जिसे इसका नाम है अट्ठांगी का मतलब इसका आठ अंग है आठ अंग क्या क्या है पहला अंग है समा दिट्ठी जिसे हिंदी में कहते हैं सम्यक दृष्टि मतलब हमको जो हमारा जीवन के बारे में एक सही समझ होना कि ये जीवन ये जो संसार में हमारा ये जो जीवन है ये सब दुखों दुखी दुख है इस जीवन में और अगर ये दुख है तो इसका कारण भी है और कारण है तो उस कारण को अगर हम ख़त्म किया तो इसका जो है निवारण भी है लेकिन उस कारण को खत्म करने के लिए निवारण करने के लिए एक मार्ग भी है तो ये सही समझ होना ये जो है अट्ठांगी का मग्गा का पहला अंग है दूसरा अंग है सम जिसका अर्थ होता है सही विचार कि हमारा विचार जो ऐसा विचार होना चाहिए हमारे विचारों में हिंसा नहीं होना चाहिए हमारे विचारों में त्याग होना चाहिए हमारे विचार सही होना चाहिए हमारे विचारों में दूसरों के प्रति मैत्रीभाव होना चाहिए क्रोध नहीं होना है लोभ नहीं होना है और अज्ञान के विचार नहीं होना है ये जो है दूसरा अंग है फिर आता है वाचा, मतलब सम्यक वचन कि हम जो हमेशा जो है हम लोगों को सही वचन बोलना चाहिए जो सच है ऐसा बात करना चाहिए दूसरों का चुगली नहीं करना गाली गलाश नहीं करना और व्यर्थ की बातों को नहीं करना चाहिए ये जो है तीसरा अंग हो गया सम्मा वाचा इसका बात है सम्मा कम मनता सही कर्म हमारा जो शारीरिक कर्म है उसको भी संयम के साथ सही ढंग से जो हमारा कर्म करना चाहिए जैसे किसी का हत्या नहीं करना चाहिए किसी का चोरी नहीं करना चाहिए बेविचार नहीं करना चाहिए तो इस प्रकार से हमारा जो कर्म है उसको सुधारना चाहिए और जो है दूसरों को मदद करना दूसरों को दान देना लोगों का इज्जत करना तो इस प्रकार से हमारा शरीर का अकुशल कर्म को छोड़कर कुशल कर्मों को करना चाहिए इसका बाद अंगला अंग है अठंगी का मग्गा का जो अंगला अंग है जिसको कहते हैं सम सम्मा आजीव सम्मा आजीवे का अर्थ होता है हमारा जो जीविका चलाने का जो साधन है वो एक सही साधन होना चाहिए एक उचित साधन होना चाहिए जिसमें किसी भी प्राणी का अहित न हो ना हो जैसे कि आ, बहुत सारे लोग जो कसाइयों का काम करते हैं मांस का मांस का व्यापार करते हैं प्राणियों का व्यापार करते हैं ये सब नहीं करना चाहिए जहर का व्यापार ये भी नहीं करना चाहिए नशीले पदार्थ दारू शराब ये सब भी जो है बेचना नहीं चाहिए हथियार जो इतने सारे हथियारों से जो जो लोगों का आहित होता है युद्ध किए जाते हैं तो ये सब ये सब का जो है धंधा नहीं करना चाहिए और जो पहले समय जो दास दासियों को बेचते थे और जो है स्त्रियों को बेचते थे ऐसा व्यापार से दूर रहना चाहिए तो और अपना जीविका को एक सही ढंग से चलाना चाहिए तो ये जो है सम्मा आजीवा फिर समा व्यायाम समा व्यायाम का अर्थ होता है सही मेहनत लोग जो है अपना जीवन में, में मेहनत तो करते हैं सब लोग करते हैं लेकिन भगवान ने कहा है कि सही रकम का मेहनत कीजिए चाहे वो जो है हमारा जीविका को चलाने का मेहनत हो और धम्मा में आगे बढ़ने का मेहनत हो तो इसमें महत्वपूर्ण हमारा मन को सुधारने का मेहनत करना चाहिए मन को कैसे सुधारा जाए हमारा मन में जो खराबियां हैं उसको जो है धीरे धीरे निकालते रहना चाहिए और नई खराबियों को मन में जो पनपने नहीं देना चाहिए खराबियों को हमारे अंदर नहीं लेना चाहिए और जो अच्छाइयाँ हमारे अंदर हैं उसको जो है संभाल के बचा के रखना चाहिए और नई नई अच्छाइयाँ, नए नए ज्ञान नए नए समझ को सीखते रहना चाहिए यह है सम्मा वायामा, सही मेहनत इसके बाद सातवा अंग है सम्मा सती जिसका अर्थ होता है सही स्मृति मतलब सही जो है हमारा जो ध्यान है ध्यान में हम जो कंसंट्रेट करते हैं मन को एकाग्र एक करते हैं एक चित्र करते हैं तो वो जो है एकदम सही रूप से करना चाहिए जैसे कि हम लोग हमारा मन को तो एक जगह में करने का हमको अलग अलग बहुत सारा जहां हम काम करते हैं तो हमारा मन को कंसंट्रेट करना होता है लेकिन वो जो है सही रूप में नहीं होता हो पाता है जैसे कि कोई आ, कलाकार होते हैं जो कि एक रस्सी के ऊपर जो है चलते हैं अपना कर्तव्य दिखाते हैं रस्सी के ऊपर जो है चलते हैं ये कोई साधारण नहीं है इसके लिए जो उनको बहुत प्रैक्टिस है बहुत अभ्यास और सती जरूरी होता है लेकिन वैसा सती से जो हम लोग अपना मन को शुद्ध नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो सती जो है उसका पीछे जो हमारा मंतव्य होता है हमारा जो इंटेंशन होता है मंतव्य वो क्या होता है वो जो है पैसा कमाना लोगों को प्रभावित करना है तो इस तरीके से उसमें लोभ अहंकार अज्ञान ये सब होता है इसी कारण से हमारा मन परिशुद्ध नहीं हो पाता है तो हमको जो है ऐसा सती ऐसा मन को कंसंट्रेट करना चाहिए ऐसा जगह पर लगाना चाहिए जिससे हमारा मन परिशुद्ध हो तो भगवान ने जो है चार सती पठाना बताए हैं काया वेदनानुपासना, चित्तानुपासना, अनुपसना तो इस रकम से हमारा शरीर के ऊपर जो है मन को कंसंट्रेट करना हमारा मन का ऊपर मन में क्या विचार चल रहा है उसका ऊपर जो है मन को कंसंट्रेट करना हमारा फीलिंग क्या हम अनुभव कर रहे हैं उस पर जो है अपना मन को एकाग्र करना उसमें जो है सती लगाना और हमारा मन में लोभ द्वेष क्या धम्म क्या प्रवृत्तियाँ चल रही हैं वो सब का ऊपर जो मन को एकाग्र करना इसे कहते हैं सही समाधि सही सती मतलब सही सती फिर अगला जो अंग है सम्मा समाधि जिसका अर्थ होता है सही रूप से समाधि समाधि को जो बढ़ाना तो ये समाधि क्या है ये जब हम सती को प्रैक्टिस करते हैं कंसंट्रेशन को जब हम बढ़ाते हैं तब हमको जो प्राप्त होता है जो स्टेज प्राप्त होते हैं वो जो है समाधि होता है जैसे कि हम जो है मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करते करके एक क्लास में पास हो गए तो जो हमारा अगले क्लास में प्रमोशन होता है अगर क्लास टेन में है टेन में पास हो गए तो एलेवन में पहुंचते हैं तो इसी प्रकार जो है जो हम जो परीक्षा देते हैं जो हम मेहनत करते हैं वो जो है सती का जैसा है लेकिन हम जब पास हो जाते हैं अंगले क्लास में पहुंच जाते हैं वो जो हमारा जो हमको जो प्राप्त होता है वो जो है समाधि समाधि होता है तो इस प्रकार जो है हमको ये आठ अंगों को हमारे जीवन में ये वाला मार्ग पर चलकर कर जो हम ये पूर्ण करते हैं तब जो है हमारा जीवन जो है सफल होता है जीवन में जो करना होता है वो संपूर्ण हो पाता है तो इसे जो है अठांगी का मार्ग कहते हैं तो इसका ऊपर चल के ही जो है लोग परम सुख शांति को पा सकते हैं और इसका जो है हम लोगों को भी जीवन में अभ्यास करते रहना चाहिए जीवन में जो है ये सब को पालन करना चाहिए बार बार इसको याद करना चाहिए तो इस प्रकार जो है हम ये जो है धम्मा पे धम्म प्रवचन या समाप्त करता हूँ और अभी कुछ समय हम लोग ध्यान करेंगे तो सभी लोग ध्यान करने के लिए अच्छे तरह से बैठ जाएं और अपना कुछ समय जो अपना मन को शांत करें अपना मन को एकाग्र करें एकाचित्र करें सभी रकम के जो विचार हैं उसको त्याग दें जीविका के लिए हम दिन भर बहुत सारे काम करते हैं बहुत सारे विचार करते हैं बहुत सारे वार्तालाप करते हैं पर इस समय सभी को भूलकर, सभी को छोड़कर मन को खाली करना है हमारा आने और जाने वाली सांस पर पूर्णता ध्यान रखना है बार बार हमारे मन में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेकों प्रकार के विचार आते रहते हैं भविष्य के बारे में कल्पना करते रहते हैं और जो समय चला गया है उसके बारे में कभी पछतावा और कभी उसको बार बार याद करते रहते हैं और इसी में जो है हमारा मन व्यतीत होते रहता है चिंतित होते रहता है इसीलिए उसको छोड़कर वर्तमान में जो हमारा सांस का आना और जाना हो रहा है उसी के ऊपर अपना पूरा ध्यान रखें और इसी प्रकार आपको जब जब समय मिले जब जब मौका मिले ऐसा ध्यान लगाएं और जो अपना मन का शांति सुख को बढ़ाएं वैसे हमारा जीवन में हम कहीं ना कहीं कुछ न कुछ करते रहते हैं हमको समय समय मिल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है लेकिन हमको जो है समय इसके लिए निकाल कर हमको ध्यान लगाना चाहिए प्रतिदिन एक समय को रखना चाहिए कि हम प्रतिदिन इस समय से इस समय तक ध्यान करेंगे तो और धीरे धीरे अपना मन को सुख शांति का तरफ आगे बढ़ाना चाहिए और अभी तो जो है हमारा समय यहीं जो है समाप्त करते हैं ये धम्म विषय को आप सभी लोगों को आशीर्वाद करता हूँ सभी के जीवन में सुख शांति रहे सभी लोग ध्यान भावना में आगे बढ़े धम्म में आगे बढ़े भवतु सब मंगल रखंतु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सब धम्मानुभावेन सब संघानुभावेन सदा सुधी भवन्तु ते